हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आई एम रविन। तो बच्चों देखेंगे, आपके पास हीट ट्रांसफर का पार्ट है, कंडक्शन था। हम लोगों ने लास्ट लास्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द कंडक्शन, व्हाट इज द हीट ऑफ ठीक है ट्रांसफर, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी हैव सीन दैट लास्ट क्लास। इसका मतलब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्शन का पार्ट है उसकी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इसमें जो और चीज़ें आती हैं आपके पास, जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से देखते हैं। जैसे मैं बोलूँगा जनरेशन, हीट जनरेशन कैसा होता है, ठीक है, और कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और कितना अगर मैं स्टेडी स्टेट के इक्वेशन लिखता हूँ अलग अलग स्फीयर के लिए, अलग अलग बॉडी के लिए, तो उसके लिए कितना आपका कंडीशन है, वो चीज़ देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, बाकी लास्ट में दो क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो जनरल हीट कंडक्शन बात करेंगे वहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ठीक है। तो आप लिखो हेडिंग जनरल हीट कंडक्शन, जनरल हीट कंडक्शन, ठीक है। तो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन देखेंगे हम लोग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो गया, आपके पास तीन एक्सिस होंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस। कहने का मतलब आपके पास अगर मैं कर्व बनाऊं बच्चों, यहां से देखो सिंपल सा एकदम ऐसे डायग्राम, ये बचेगा एक्स वाई और जेड एक्सिस। यहीं पे क्या है आपके पास बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या है, क्यूब है, सिंपल सा ऐसे क्यूब है, और इसी को मैं क्यूब को, ठीक है, ये रही आपके पास क्यूब। अगर इसको थोड़ा सा कहें क्लोज बॉडी बना दें, इसको क्लोज बॉडी ये बन जाएगा, ये क्यूब, ये बच्चों एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बच्चों क्या मतलब हुआ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब कि जो बॉडी है आपके पास है, जो आपके पास क्यूब है, ये क्यूब है आपके पास, वो कैसे है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में है, कैसे है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में। तो इसके दौरान अगर मैं बात करूंगा हीट जनरेशन कितना हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला मैं लिखता हूं, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई आपके पास एक्स और वाई और जेड एक्सिस में। इसके बाद बात करेंगे अगर इसमें हीट जनरेशन हो रहा है तो जाएगा क्यू जी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, ये क्यू जी डिवाइड बाई के, ठीक है। और इसके बाद ये इक्वल की बात क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन बाई अल्फा डेल्टा टी बाई टाउ। ये इक्वेशन हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का हीट जनरेशन का इक्वेशन। बोलो तो के क्या है, यहां पर के थर्मल कंडक्टिविटी है, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड 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 अल्फा क्या है, अल्फा है थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। तो बाकी सब आपके पास एक्स वाई जेड आपके पास पता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यानी एक्स डेल टी आई, ये जो क्या है आपके पास टाइम डेल स्क्वायर बाई टी बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई टी डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के वन बाई अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ। तो जनरल हीट इक्वेशन है आपके पास क्या, कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों क्या है, बात करेंगे अभी तो ये तो पूरी पूरी है एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस साथ में कंबाइंड किया हूँ, तो हो सकता है एक्स एक्सिस में पूछ लिया जाए, हो सकता है वाई एक्सिस में पूछ लिया जाए, हो सकता है क्या हो जेड एक्सिस में पूछ लिया जाए, तो क्या होगा। चलिए इसको अगर डेल ऑपरेटर के टर्म में लिखें, मैं बोला था ये कैसा डेल ऑपरेटर के टर्म में लिखते हैं तो कैसा हो जाएगा, इसको और लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से देखो, ठीक है। तो इसका मतलब इसलिए लिख सकते हैं डेल
क्या हो जाएगा स्क्वायर टी एल स्क्वायर टी प्लस क्या हो जाएगा क्यू जी बाई के इक्वल टू हो जाएगा वो वन अपॉन अल्फा डेल्टा टी और ये आपके पास टाउ, ठीक है। तो डेल्टा टी बाई टाउ आपके पास, तो डेल क्या था बच्चों, डेल आपके डेल ऑपरेटर का मतलब होता है क्या, ये डबल ऑर्डर डिफरेंशिएट है, ये डबल ऑर्डर क्या डिफरेंशिएट है, तो इसका मतलब होता है ठीक है डेल स्क्वायर बाई एक्स आई कैप प्लस डेल स्क्वायर बाई वाई जे कैप प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड के कैप, ये होता है। इसी को मैंने क्या टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल स्क्वायर बाई टी ठीक है ये सब मिलता जाएगा, समझ गए। इसको आप मल्टीप्लाई करो टी से तो डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर डेल स्क्वायर बाई टी डेल जेड स्क्वायर ऐसी तरह से मिलता जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा क्यू जी बाई के। इस फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आंसर आता है आपके पूरा कि ये बताओ कि इस फॉर्म में कैसे डेल ऑपरेटर में है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ किसके डेल ऑपरेटर में। डेल ऑपरेटर का मतलब आपके पास गिवन है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल, ये एक्स वाई जेड आपके पास क्या डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस में है आई कैप, वाई में है जे कैप, के में क्या इसका डायरेक्शन है के कैप, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। बाकी पता है अल्फा आपको याद होना चाहिए, अल्फा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेचा, यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट पूछा जाता है, अल्फा क्या होता है ये बताया जाता है, रेशियो किसका किसका होता है, ठीक है। तो हीट कंडक्टेंस अपन हीट कैपेसिटेंस प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस, ठीक है। ये क्या है थर्मल कंडक्टिविटी है, बाकी सब कुछ आपको इसमें गिवन ही है। आगे चलें, चलिए अब आप बात करेंगे अगर इस इक्वेशन को एक्स और वाई जेड एक्सिस में देखते हैं तो क्या होगा, अगर इक्वेशन को सिर्फ एक्स एक्सिस में कितना होगा तो वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, जेड कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बात करेंगे अगर वो एक्स एक्स वाई एक्स में, अगर बोला बच्चों कि आपके पास हीट जनरेशन हो रहा है, हीट कंडक्शन हो रहा है किसमें, ओनली ओनली ठीक है ओनली किसमें हो रहा है आपके पास एक्स डायरेक्शन में, तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे, इसको बोलेंगे डेल टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सबको मैं जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू वन बाई अल्फा डेल टी बाई क्या हो जाएगा ठीक है। सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, वाई कंपोनेंट जीरो, जेड कंपोनेंट जीरो, सिर्फ आपके पास क्या कंपोनेंट बचेगा एक्स डायरेक्शन बचेगा, तो कितना हीट आपके पास है क्यू जी बाई के वन बाई अल्फा, अल्फा का वैल्यू बच्चों क्या होता था, अल्फा का वैल्यू था आपके पास के बाई रो सी पी, क्या था के बाई रो सी पी, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, रो आपके पास क्या गिवेन है, क्या गिवेन है आपके पास ठीक है डेंसिटी है, सी पी क्या है हीट कैपेसिटी है आपके पास गिवेन है, ठीक है। जो टी है आप देख रहे हो टी स्मॉल टी दिख रहा है वो हमेशा क्या है बच्चों टाइम क्या है सॉरी टेम्परेचर है, क्या ये टेम्परेचर है, और टाउ देख रहे हो वो आपके पास क्या है यहाँ पर है टाइम है, ठीक है। टी टेम्परेचर है, एक्स कोऑर्डिनेट है, क्यू जी क्या होता है यहाँ पर देख लो, क्यू जी क्या आपके पास है, क्यू जी आपके पास है हीट जनरेशन, क्या ये हीट जनरेशन, हीट जनरेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है कितना हीट जनरेट हुआ कितने वॉल्यूम में, मतलब क्या हो गया वाट पर मीटर क्यूब, यूनिट अगर बोलें क्या हो जाएगा वाट पर मीटर क्यूब, समझ में आया, कितना हीट जनरेट हो रहा है यानी कि वाट कितना वाट जनरेट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में कितना हीट जनरेट हो रहा है, क्या हो जाएगा ये यहाँ से क्यू हीट जनरेशन, सभी कंपोनेंट पता हो गया, अल्फा पता हो गया, टेम्परेचर पता हो गया, टाइम पता हो गया, के थर्मल कंडक्टिविटी है ठीक है, और अल्फा सॉरी क्यू जी आपके पास हीट जनरेशन हो गया, टी टेम्परेचर हो गया, एक्स क्या कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, आगे चलें। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास तीन वेरिएबल आपके पास मिल रहा है यहां से ठीक है, यहां से देखो आप तीन वेरिएबल है, एक डेल ऑपरेटर है यहां पर, उसके बाद क्यू जी बाई के है, और एक टर्म ये है डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ,
बोलो। तो ये चीजें आपके पास गिवेन है। तो अब देखो, अगर 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 मैं इसको इस फॉर्म में लिखा है, इसको देखते हैं, ये हो जाएगा क्यू जी बाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा टी बाई टाउ। ये है। अब आपके टर्म में देखना है बच्चों, या तो ये जीरो करो या तो ये जीरो करो, तो कौन कौन सी इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन का नाम पूछा जाता है। ठीक है, उस इक्वेशन का नाम पूछा जाता है, अगर ये जनरेशन जीरो हो जाए, हीट जनरेशन जीरो हो जाए, अगर हीट जनरेशन जीरो हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 बाई अल्फा टी बाई क्या मिलेगा टाउ। बोलो, हीट जनरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, सिर्फ बचेगा क्या आपके पास। इस इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन को बोलते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन इक्वेशन बोलेंगे। कब, जब हीट जनरेशन क्या हो जाएगा जीरो। यहीं पर लिख लो, जो क्यू जी आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से वो तो वैल्यू क्या हो गया जीरो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी प्लस। अब क्या कर दो आप, अब क्यू जी जीरो हो गया, तो अब क्या कर दो, ये जीरो कर दो, डेल टी बाई डेल टाउ जीरो करो। तो डेल टी बाई डेल टाउ जीरो करेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा क्यू जी बाई के इक्वल टू जीरो। बोलो, इसे बोलेंगे पॉइजन, पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, का मतलब क्या हुआ, डेल टी बाई डेल्टा हुआ आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट, पहला हो गया, ये तो दूसरा हो गया, तीसरा, दोनों जीरो कर दो बच्चों, ये भी जीरो करो, ये भी जीरो कर दो। तो आप सिंपल सा आप देखोगे, डेल स्क्वायर बाई टी इक्वल टू आपके पास जीरो मिलेगा, और एक इक्वेशन को बोलेंगे लाप्लास इक्वेशन। क्या इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलेंगे लाप्लास इक्वेशन। क्या ये टी है, टेम्परेचर है आपके पास गिवेन है, टेम्परेचर टी, टाउ सिर्फ यहाँ है, सिर्फ ओनली वन यहाँ पर, और कहीं आपके साथ टी मिलेगा। ठीक है, या तो आप लिख लो कैपिटल टी, लिख लो डायरेक्ट कैपिटल टी लिखो, डाउट हो रहा तो। ठीक है, तो कैपिटल टी जो आपके पास है यहाँ से टेम्परेचर है, ये आगे बढ़े चलते हैं आपके पास। अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा बताओ ड्रॉ करो या क्वेश्चन बताओ, का ऑप्शन दिया होगा, क्वेश्चन देगा पहला, स्टडी स्टेट, स्टेडी स्टेट एंड एंड वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर, एंड वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर, स्टडी स्टेट एंड वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर, ये की बिना आपको पूछेगा कैसे करेंगे बच्चों आपको वो। भाई स्टडी स्टेट का मतलब क्या, जो भी टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाला नहीं है टाइम के साथ, बोलो टाइम के साथ कोई भी चेंज होने वाला है क्या, नहीं। स्टडी स्टेट का मतलब हो गया डेल, स्टडी का स्टेट का मतलब हो गया डेल टी बाई डेल टाउ, ये वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। स्टडी का मतलब कोई भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज
नहीं होने वाला है। इस केस में जो इक्वेशन बनेगा वन डायमेंशनल पूछा है तो वन डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, मान लो आपने एक्स एक्सिस लिया तो डेल टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यू जी बाई के, एक क्वेश्चन बन जाएगा कब भाई, वन वन डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में लिया मैंने, हीट जनरेशन हीट ट्रांसफर हो रहा है ये, और ये स्टडी स्टेट बता रहा है ये वाले जीरो हो गया। बोलो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपके ऑप्शन दे सकता है। दूसरा पूछेगा स्टडी स्टेट वन डायमेंशनल एंड विदाउट हीट जनरेशन, विदाउट हीट जनरेशन स्टडी स्टेट भी हो वन डायमेंशनल हो विदाउट हीट जनरेशन हो, तो वन डायमेंशनल हो स्टडी स्टेट का मतलब जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के बच्चों क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये वन डायमेंशनल हो गया, बाकी विदाउट हीट जनरेशन इसका मतलब सब जीरो, तो मतलब हीट जनरेशन सभी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये आपके पास गिवन हो जाएगा। ठीक है, ना तो इसमें स्टडी स्टेट है यानी कि आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज हो रही है वो जीरो, और हीट जनरेशन की बात करेंगे वो भी जीरो, बचा क्या आपके पास सिंपल सा डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आगे बढ़े, कहानी यहाँ तक आपके पास किसका शुरू हुआ बेटा, यहाँ से वन डायमेंशनल हीट फ्लो करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस होगा और इसमें एक हीट जनरेशन होगा और एक स्टडी स्टेट वाला पॉइंट होगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के साथ टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तीनों को एक साथ कंबाइन किया तब फार्मूला, बाकी अलग अलग पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा तो भी फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके तो बच्चों अब यहां से यहाँ से कम डेटा सेव हो गया होगा ना,